सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है पाबी पुस्ता और चल रहे हम इसके तिराहे पे, जहां से ये सादरा और लोनी के लिए चला जाता है राइट में, और लेफ्ट में चला जाता है बागपत बड़ौद के लिए, सहारनपुर के लिए। तो पहले वही हाईवे था, मतलब कि सादरा सादरा लोनी वाला जो बागपत के लिए निकल जाता, लेकिन अब ये पाबी पुस्ता से, ये खजूरी पुस्ता, ये खजूरी खाद से लेकर और पाबी पुस्ता, ये इसको पाबी पुस्ता बोला जाता। तो इधर से ये आपको बता दूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को घुमा दिया गया, और साइड में देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पे देखो वो क्रेन मशीन लगी हुई है, और उधर ही पिलर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हिस्सा इसका एलिवेटेड रहेगा तो इस वजह से उधर आपको पिलर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये तिराया आ चुका है, देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर पाइल किया जा रहा है। और मेरे लेफ्ट में देख दो, देखो ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया है इन्होंने, और फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट हो जाने के बाद मैं गाइस, और ये आज मैं आप लोगों को मंडोला बिहार तक दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो कंटिन्यू। आप लोगों को देखो दोस्तों, इसका फाउंडेशन इस तरीके से किया जाता है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। और यह है पाबी पुस्ता का चौराया। अब आपको बता दूं कि यहाँ से अगर राइट में जाते हैं तो सादरा के लिए निकल जाएंगे, लेफ्ट में जाते हैं तो सीधे बागपत के लिए निकल जाएंगे, और यहाँ से इधर पीछे जाते हैं तो आपके खजूरी के लिए निकल जाएंगे। तो इसका इस तरीके से फाउंडेशन बनाया जाता है, और फाउंडेशन बनाने के बाद में फिर पिलर को ऊपर खड़ा किया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर, और ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है इधर साइड में, ये साइड साइडों में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, और आगे मकान भी तोड़े गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सामने ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये जब पाइलिंग मशीन करते हैं तो उसके ज़मीन के अंदर ये डाले जाते हैं। तो चलो हम चलते हैं उस साइड में, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये है कुछ नज़ारा, और इधर चला जाता है पाबी पुस्ता के लिए, क्यों सामने सूरज पड़ रहा है तो इस वजह से ऐसा चमक नहीं रहा है, तो इस वजह से हम आप लोगों को इधर से दिखाते हैं। देखो कुछ ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर ये चौराहे पे, क्योंकि अगर हम राइट में जाएंगे यहाँ से तो हम जाएंगे सादरा के लिए, इधर सादरा चला जाता है और इधर बागपत के लिए चला जाता है। तो देख सकते हो जो ज़मीन के अंदर जो पाइल मशीन करके हॉल करके फिर ये वाला स्ट्रक्चर डाला जाता है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से कितने भारी भरकम में ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ पर इतने पाइल किए हैं, दोनों साइडों में ही ये पिलर बनाए जा रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो नज़ारे आप लोग देख सकते हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे हम बागपत के लिए, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में गाइस। ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन यहाँ से, और ये आ जाता है तिराया, ठीक है, और ये पाबी पुस्ता यहाँ पर एंड हो जाता है, ये गोल चक्कर है। और आपको बता दूं कि ये सामने से ये जो ट्रक आ रहा है ये चला जाता है लोनी और सादरा के लिए, इधर लोनी और सादरा के लिए चला जाता है, और ये आपको बता दूँ ये चला जाता है खजूरी के लिए, और इधर हम चलेंगे बागपत के लिए। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ सामने थाना भी है, पुलिस चौकी पुस्ता, थाना चौनका सिटी जनपद गाजियाबाद। तो यही नज़ारे चल रहे हैं अभी, तो यहीं पर ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, और यहाँ पर बनाया जा रहा है इंटरचेंज। तो दोनों साइड में अभी वर्क चलेगा, क्योंकि ये सारी दुकानें अभी ख़त्म कर दी जाएंगी, सारी दुकानें ये हटाई जाएंगी अभी, क्योंकि ये बहुत चौड़ा बनाया जा रहा है। अब पाइल देखो किस तरीके से यहाँ पर पाइल किया जा रहा है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि ये पाइल मशीन जो पाइल करेंगे उसके अंदर ये स्ट्रक्चर को डाला जाएगा, जैसे कि इस मशीन ने यहाँ पर पाइल किया है। देखो यहाँ पर इसमें कंक्रीट भर दिया है, तो चलो आपको दिखा देते हैं ये पिलर अंदर जाता है। अच्छा देखो ये अभी इन्होंने भरा है, ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक दो ये डाल दिया है ना इस तरीके से, ऐसे ही इसमें इसके अंदर डाले जाते हैं,
और देखो उधर भी पायल कर रही है, उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो उधर भी आप लोग देख लो, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया उधर लास्ट में, और इधर ये पायल कर दिया। वैसे तो ये मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं, देखो मिट्टी ये इसी देहरादून एक्सप्रेस वे में लगाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये देखो मशीन है, ये है पायल मशीन जो ज़मीन में हॉल करती है, फिर उसके अंदर वो वाले रिंग डाले जाते हैं, वो अभी मैंने दिखाया पीछे। पर अब चलते हैं हम आगे, यानी कि बागपत साइड की तरफ, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे तस्वीरें। रहते ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर। देखो ये पार किया गया, होल किए गए हैं, तो आप चलेंगे यहाँ से सीधे सीधे। देख सकते हो दोस्तों, ये आपको बता दूं जितने भी ये पिलर का फाउंडेशन ये बना दिया जा चुका है, देख सकते हो पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया चुका है। तो अब इसमें सारे में इनमें आपको क्या करना है, अब इन्हें इनमें बस कंक्रीट भरना और ये पिलर मजबूत बन जाएगा, और बनने के बाद फिर इन पर पिलर कैप लगाया जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो देख सकते हो ये पिलर भर दिया इन्होंने कंक्रीट की मदद से, ये पिलर भर चुका है। तो इसी तरीके से ऐसे ही पिलर को ये भरते चले जाएंगे, इसका फाउंडेशन बनाते चले जा रहे हैं और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा करते जा रहे हैं गाइस। तो आपको बता दूँ कि ईस्टर्न पेरिफेरल तक ये सारे पिलर बन के कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, जो बीच बीच में रह गए हैं फाउंडेशन के लिए उन पर फाउंडेशन बनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि सारे पिलर का फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। अब इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग लग जाने के बाद में इससे कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, जैसे इन पिलरों में भरे हैं। तो इसके बीच में भी अभी एक पिलर खड़ा होगा, तो देख सकते हैं इसी तरीके से। तो फिर इन पर जब ये पिलर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, फिर इन पर
पिलर कैप का काम किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि ये जब हम ईस्टर्न पेरिफेरल से हम इधर की साइड में आएंगे, दिल्ली की साइड में, यानी कि जब हम आएंगे पापी पुस्ता के लिए, तब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि उधर का स्ट्रक्चर हो गया है तैयार, क्योंकि पिलर कैप भी बना दिया और जो पिलर के विंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है। और वो ऐड किया जा रहा है, वो आगे कोई गांव पड़ता है और वो पड़ता है खेकड़ा गांव। और खेकड़ा गांव में आपको बता दूं कि वहां पर जो जो आपको बता दूं कि जो पिलर कैप का जो विंग्स है वो ऐड किया जाना लगा है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो सेटरिंग है वो लगाई जा रही है, तो बनाए जा रहे हैं, वो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि केपी संत का वीडियो कैसा लगता है, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है आप लोगों के बीच में कंटिन्यू और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते सारे पिलर अभी भरे जा रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।